मैं हूँ निधि शर्मा और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। आपको कैसा लगता है? मेरा तो फेवरेट है हलवे में गाजर का हलवा, और मेरी फैमिली में भी सबको पसंद है, मेरे पापा को भी। उनके लिए बनता है शुगर फ्री हलवा, तो पापा भी हैं नहीं, तो मैं मतलब मीठा वाला ही हलवा बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, एक बार आप देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर, मैंने गाजर छिल के धो के रख ली है और साथ में ये है यहाँ पर कद्दूकस और थाली। इसी में मैं कद्दूकस करूँगी, मतलब घिसूँगी गाजर को। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैं मोटे साइज़ का जो होता है उधर से घिसूँगी गाजर को ताकि जल्दी हो जाए। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं आपका हाथ ना कट जाए, तो इस वजह से बहुत रिस्की काम होता है, तो ध्यान दे के घिसें। अगर जो भी मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस यहाँ पर मैं वही गाजर ही घिस रही हूँ। बने रहिए, देखते हैं कि क्या करते हैं। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इस वजह से मैं डालती भी नहीं हूँ। पापा रहते तो फिर होटल वाते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं, हलवे में नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं नहीं डालूँगी। आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना ड्राई फ्रूट्स का बनाऊँगी। घिस लिया है पूरा, ये देखिए। अब इसको मैं रख दूँगी कुकर में, मतलब एक सीटी लग जाएगी, फिर उसके बाद हम खोल के कुकर फिर वो मतलब सर्व कर लेंगे इसको। फिर बाद में हम जो भी है घी वगैरह डाल के और मावा वगैरह फिर बनाएंगे। तो अभी मैं इसको कुकर में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में सारे गाजर रख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, हल्का सा। अब इसको ढक के रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ढक दिया कुकर को। अब मैं रखने जा रही हूँ इसको गैस पे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो पता चले नीचे से जल जाए, इस वजह से अब मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं इसको। मैंने रख दिया, अब हम वेट करते हैं एक डेढ़ सीटी लगने, मतलब एक दो सीटी लगने तक। तो अभी के लिए बाय बाय। मतलब विसल लग चुकी है, अब एक और बात क्या लग रहा है, बस यहाँ पर लग गई। अब फ्लेम बंद कर देते हैं। भगवान क्या हो गया, ये तो सारा का सारा जल गया, सारा का सारा नहीं जला, मतलब नीचे वाला ये जो लेयर है ये जल गया यहाँ पर। चलिए मैंने इतना फिर भी निकाल तो लिया उसमें से, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही मीडियम कर रखी थी फ्लेम, फिर भी पता नहीं कैसे जल गया। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हो ही गया। ये है हमारा मावा या फिर खोया, जो मैंने घर पे खुद बनाया है। आप चाहे तो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, मार्केट से। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। तो यहाँ पर मैं अब ये डाल देती हूँ गाजर। देती हूँ इलायची, थोड़ी सी पीसेस। आपके पास पाउडर है तो डाल लीजिएगा, मेरे पास पाउडर नहीं है तो इसलिए मैंने ये डाला। और थोड़ी सी इलायची और डाल देती हूँ बस। तो यहाँ पर हम चीनी डाल लेते हैं। ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है, पर मम्मी को ज़्यादा मीठा पसंद है, थोड़ा देख के ही डालूँगी ना, काफ़ी होगा वैसे।
बस रहने देती हूँ यहाँ पर, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो, अब मिक्स कर लेते हैं। कितना सुंदर लग रहा है वैसे कलर इसका। बस यहाँ पर 2 मिनट का नहीं, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम लगेगा बनाने में। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ डालने खोया या मावा, जो भी आप बोलते हो। बहुत सारे लोग दूध भी डालते हैं, मर्जी है अपने अपने। यहाँ पर मैं खोया ही डालूँगी। देख लेते हैं कि मैंने बचा रखा है, अगर जो जाए तो ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, आ रही है ना, मैं क्या जानती हूँ। एक काम करते हैं, फिर पूरा ही डाल लेते हैं। बस यहाँ पर अब मिक्स कर लेते हैं, 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। हो गया फिर हमारा गाजर का हलवा रेडी, जल जम के कैसे भी करके बन ही गया। रेडी है हमारा गाजर का हलवा बनके। अरे इसको अब सर्व कर लेते हैं हम। पर हमारा रेडी है गाजर का हलवा। वाओ कितना टेस्टी लग रहा है ना, आ गया ना मुँह में पानी। तो यहाँ पर बनके हमारा रेडी है, और यहाँ पर वीडियो भी मतलब वीडियो का भी एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जो भी है वो सब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, फिर थैंक यू, बाय बाय।